نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما

जिसकी जितनी भी तारीफ़ें बयान जिसकी जितनी भी हम्दो सना बयान की जाए और जिसकी जितनी भी तहसिन व सतश बयान की जाए और जिसके लिए जितने भी शुक्रिय के क़लिमात अदा किए जाएँ कम हैं हक ये है कि हक अदा नहीं हो सकता हम्दो सना के बाद दुरुज़लम नाजिल हों दोनों जहानों के सरदार पैगम्बर आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला तसलम की दस पर जसद अकदस पर रूह अकदस पर बेशुमार बेहद हिसाब अन गिनत ला तदाद के जिन्हें अल्लाह ताल ने सारी कायन के लिए रहबर रहनुमा और तमाम जहान वालों के लिए रहमत बना के भेजा है मुख्तसर सी हमदलात के बाद आज मौरखा इक्कीस अप्रैल दो हज़ार इक्कीस में और आपद्रार इंस्टीट्यूट में दावत तबलीग की नस्बत से जमा और इकट्ठे हैं अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सब को जन्नत में भी इकट्ठा फरमा दें क़ुरानि मजीद का आठवां पारा और सातवीं सूरत सूरतुल आराफ की आयत नंबर ट्वेंटी सिक्स आपके सामने तिलावत की है अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको हम सब को कुरानी मजीद का सही फ़हम और कुरानी मजीद की सही समझ अता फ़रमा दे और वाजो नसीहत के इन प्रोग्राम्स के तवस्सुस से मैं और आप जो भी कुरान हदीस की बातें और नसीहतें सुनते और सुनाते हैं अल्लाह हमें उन पर इखलास के साथ अमल पैरा होने की भी तौफीक अता फरमा दे मेरा आज का मौजू और आज का जो टॉपिक है वह इंसान का ज़ाहिर और इंसान का बातिन मैं और आप हम सब जानते हैं कि इंसान दो चीज़ों से मुरक्कब है एक है इंसान का जिसम और एक है इंसान की रूह एक है इंसान का तन और एक है इंसान का मन एक है इंसान का ज़ाहिर और एक है बातिन जाहिर तो नज़र आता है तन तो नज़र आता है जिसम तो नज़र आता है लेकिन बातिन नज़र नहीं आता मन नज़र नहीं आता इंसान की रूह नज़र नहीं आती लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज़ नज़र नहीं आती उसका वजूद ही नहीं है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो नज़र नहीं आती मख्फी हैं लेकिन उनका एक वजूद है और उनका वजूद माना जाता है बिल्कुल इसी तरह इंसान का एक मन भी है इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं अगर दे दूँ देखिए इंसान अपने बारे में कहता है कि मेरा हाथ मेरा हाथ अगर ये इंसान खुद हाथ है तो फिर ये मेरा हाथ हाथ को अपनी मिल्कियत जो जाहिर कर रहा है ये कौन कर रहा है इंसान कहता है, मेरी आँख मेरी टांग मेरा चेहरा मेरा सर तो इससे ये बात मालूम चलती है कि इस जाहिरी इंसान के अंदर एक और अंदर बातनी इंसान भी है एक जिसम के साथ एक रूह भी है एक तन के साथ एक मन भी है और एक जाहिर के साथ उसका एक बातिन भी है जिस तरह जाहिर की एक हकीकत है उसके बातिन की भी एक हकीकत है कुरानी मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि या बनी आदम ए आदम की औलाद कद अल्लाई कुम लिबास युवारी सऊआती कुम वरीशा व लिबास तकवा जाली का खैर ये दोनों चीज़ें इंसान का जिसम और रूह ज़ाहिर और बातिन तन और मन जब ये आपस में मिले हुए होते हैं तो इस इंसान को खाने के लिए किस्म किस्म के खाने चाहिए एक खाने पर इतफा नहीं करता इसको पीने के लिए किस्म किस्म के मशरूबात चाहिए इसको पहनने के लिए कड़े हुए खूबसूरत लिबास चाहिए इसको रहने के लिए 500 सौ गज की कोठी भी कम पड़ती है ये हजार गज की कोठी पर जाता है और फिर उस कोठी के अंदर इसका एक बेडरूम होता है इसका एक लेटने के लिए बेड होता है तकिया और सिरहाना होता है लेकिन जैसे ही जिसम और रूह का रिश्ता मुनकते होता है इसका जाहिर इसके बातिन से जुदा हो जाता है इसका तन इसका मन आपस में अलग हो जाते हैं और ये चलती हुई सांसें रुक जाती हैं ये धड़कता हुआ दिल एक लम्हे में आकर धड़कना छोड़ देता है तो इतना बड़ा फ़र्क वाकई होता कि जाहिर मौजूद होता है लेकिन बातिन नहीं मौजूद होता इंसान का जिसम मौजूद होता है लेकिन उसकी रूह मौजूद नहीं होती उसका तन होता है लेकिन उसका मन नहीं होता और जब मन नहीं होता तो घर वालों का भी मन नहीं होता वो रखने के लिए तैयार नहीं होते कितनी मोहब्बत करने वाली औलाद हो अपने माँ बाप से लेकिन वो अपनी माँ को कांधों पर उठाकर शहर खामोशा में छोड़ के आ जाती है क्या होगी आंखें भी हैं इस जिसम का पूरा एक एक रजू उसके सारे पार्ट्स मौजूद हैं कान भी है दिल भी है दिमाग भी है सब कुछ है पूरा जिसम मौजूद है लेकिन जैसे ही रूह निकली तो फिर हम इस जिसम को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होते कुरने मजीदुरक़ान हमीद में अल्लाह ने इस आया मुबारक के अंदर इंसान के जाहिर और इंसान के बातिन को जिक्र किया है फरमाया आदम की औलाद हमने दो लिबास उतारे हैं लिबासन एक जाहिर का लिबास एक बातिन का लिबास एक तुम्हारे तन का लिबास और एक तुम्हारे मन का लिबास एक तुम्हारे जिसम का लिबास और एक तुम्हारी रूह का लिबास तन का लिबास अल्लाह ने उसको ज़िक्र किया लिबासन युवारी सवातीकुम वरीशा। उसके दो मकसद हैं तन के लिबास के पहला मकसद तन के लिबास का फरमाया इससे तुम अपने जिसम की शर्म की जगहों को छुपाओ और जो शर्म की जगह हैं उनको छुपा लो इस लिबास के ज़रिए लिबास का एक मकसद ये है बनी आदम के अंदर मर्द भी आ गए औरतें भी आ गईं और फिर दूसरा मकसद लिबास का अल्लाह ताला ने व रीशा रीशा कहते हैं कि इस लिबास के ज़रिए से तुम जीनत हासिल करो देखिए लिबास के ज़रिए से इंसान जीनत हासिल करता है उसका जाहिर बड़ा अच्छा लगता है जितना लिबास अच्छा होगा उसकी पर्सनैलिटी बढ़ती है कीमती लिबास पहनने से वो इंसान कीमती समझा जाता है कीमती से कीमती लिबास इंसान को कीमती से कीमती बनाने रखते हैं जाहिरी तौर पर लिबास इंसान की शख्सियत का आइना दार होता है अरबी का मकूल है अन्नासिल लिबास लोग लिबास से जाने और पहचाने जाते हैं तो लिबास के दो मकसद बयान हुए जाहिरी लिबास के एक तो शर्म की जगह छुपा ली जाए और दूसरा उसका मकसद बयान किया कुरान ने कि उससे जीनत हासिल की जाए देखिए शरी हदूद में रहते हुए कोई सा भी लिबास जेब तन किया जा सकता है शरी हदूद में रहते हुए और शरीयत ने कोई इतनी कड़ी हदूद नहीं लगाई चंद शर्तें बताई हैं और बाकी आप कोई सा भी लिबास पहने आप पैंट शर्ट पहने आप थ्री पीस सूट टू पीस सूट पहने आप कलफ के कपड़े पहने कड़े हुए आप लिबास पहने कीमती से कीमती लिबास पहने शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगा हाँ चंद शर्तें हैं बस उन शर्तों चर्ट, को पूरा करते हुए आप लिबास पहनिए मसलन औरतों को हुक्म दिया कि लिबास इतना बारीक ना हो कि जिस्म के शर्म के मकाम और शर्म की जगह जाहिर होने लगें एक हदीस है सही इब्ने अब्बान की हसन दर्जे की और सही दर्जे की रिवायत है अल्लाह के रसूल माइलातुन मत ममीलाब क़यामत ऐसी औरतें आ जाएंगी जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी कपड़े पहनने के बावजूद किस तरह नंगी होंगी फरमाया तो वो कपड़े इतने चुस्त होंगे जिसम के साथ इतना चिपके हुए होंगे और इतने टाइट होंगे कि जिसकी वजह से जिसम के नशे व फराज हो रहे होंगे या उसकी दूसरी सूरत ये है कि वो इतने चुस्त तो नहीं होंगे लेकिन वो इतने बारीक होंगे कि जिससे औरत का जिसम झलक रहा होगा फरमाया ये लिबास पहनना शर्न हराम है अल्लाह के रसूल सलासरम ने फरमाया कुर्ब्यामत ऐसी औरतें होंगी लिबास पहनने के बावजूद भी वो नंगी होंगी माईलातन ममीलातन वो मर्दों की तरफ माइल होने वाली होंगी झुकने वाली होंगी और मर्दों को अपनी तरफ झुकाने वाली होंगी कि इतनी अट्रैक्शन पैदा हो जाए और इतनी खूबसूरती पैदा हो जाए हमारे जिसम के झलकते हुए वो हिस्से मरद देखें और हमारी तरफ उनकी निगाहें उठें उनका ये मकसद होगा वो हमारी तरफ माइल हों अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया ला यल जन्नता वह जन्नत में दाखिल नहीं होंगी व ला य और ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात ये जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगी और आपने फरमाया कि जन्नत की खुशबू तू जदिन मसीरत ख़मसी मीयति आमिन जन्नत के अंदर जो फूल हैं जन्नत के अंदर जो खुशबुए हैं और जन्नत के बागात जो महक रहे हैं उनकी महक इतनी है इतनी है आपने देखा होगा मस्जिद नबी में अगर जाने का इतफ़ाक़ हुआ हो तो अंदर जो ए सी का पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है और इतनी बेहतरीन कोलिंग होती है कि दरवाजे में एंटर होने से बीस फुट पहले ही वो कूलिंग बाहर आ रही होती है तो अल्लाह ने जो जन्नत बनाई है उसमें इतनी महक है इतनी खुशबू है वो इतनी जन्नत है कि उसकी खुशबूएं जन्नत के अंदर तो हैं लेकिन बाहर भी निकल रही हैं और बाहर निकल कर कितनी दूर तक जा रही हैं? फरमाया तू ज़दु मिन मसीरती खमसी मी अति आम मिन पांच सौ साल की मसाफत पांच सौ साल कोई शख्स जन्नत से निकले और निकलने के बाद चलना शुरू कर दे और चलते चलते सफर करते करते सफ़र करते करते एक सौ साल गुजर जाए दो सौ साल गुजर जाए पांच सौ साल सफर तय करने के बाद जहां पहुंचेगा जन्नत की खुशबू वहां भी जा रही होगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगी तो जाहिरी लिबास के दो मकसद बयान हो गए अल्लाह ने आगे बातिन का भी लिबास जिक्र किया कि एक बातिन का भी लिबास है तुम्हारे मन का भी लिबास है तुम्हारे लिबास क्या है फरमाया माया व लिबास तकवा ये तकवे का लिबास है कुरान हदीस के मुताले से ये बात मालूम चलती है बहुत तोज्ज फरमाइएगा कुरान अजीज के मुताले से ये बात मालूम चलती है शरीयत की जब आप स्टडी करेंगे तो आपको ये बात मालूम चलेगी कि इंसान के जाहिर में और बातिन में इंसान के जिस्म में और रूह में उसके तन में और मन में छः किस्म की यकसानियतें हैं सिमिलरिटीज हैं यकसानियतें हैं जिसम और रूह में फर्क नहीं है और एक बहुत बड़ा फर्क है आज की इस नशिश में पहली सिमिलैरिटी और पहली यकसानियत जिसम और रूह के अंदर यह है कि जिस तरह जिसम को लिबास से जाहिरी जिसम को जाहिरी लिबास से संवारा जाता है और लिबास ना होती है इसी तरह इंसान के बातिन की खूबसूरती उसके मन की खूबसूरती उसकी रूह की खूबसूरती और पाकिजगी वो लिबास तकवा से आया होती है दूसरी सिमिलैरिटी और दूसरी यकसानियत जिसम और रूह के अंदर देखिए साफ सुथरे जिसम पर साफ सुथरा लिबास पहना जाता है कॉमन सेंस की बात है जिस तरह गंदे जिसम पर साफ सुथरा लिबास नहीं पहना जाता कॉमन सेंस की बात है गंदे जिसम पर इंसान गंदा लिबास तो पहन लेता है लेकिन गंदे जिसम पर साफ सुथरा लिबास नहीं पहनता कभी इंसान को पसीने आए हुए हों जिसम से स्मेल आ रही हो और आपकी घरवाली आपको नया सूट निकाल कर देंगे पहनने तो आप कहेंगे नहीं भाई अभी मैं नहाया नहीं साफ सुथरा लिबास है जिसम मेरा अभी गंदा है तो माफ ये कर रहा हूं जिस तरह साफ सुथरे अपनी रूह को खूबसूरत बना लिया हो और जिसने अपने बातिन को खूबसूरत बना लिया हो देखिए हदीस में आता है कि मैं अपनी तरफ़ से बात नहीं कर रहा ये कोई फ़लसफ़ा नहीं है देखिए अल्लाह के रसूल हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्ला वल् ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद एक लिबास तो वो है जो हम पहना देते हैं जिसे हम कफ़न कहते हैं साफ सुथरा तो लिबास होता है वह कफ़न पहना कर हम जनाजा तैयार कर देते हैं चारपाई पर लेटा देते हैं ये ना आपको पता है ये तो हमारे जिसम का लिबास है एक मन का भी लिबास है अगर मन अच्छा होगा तो साफ सुथरा लिबास और अगर मन गंदा होगा तो साफ सुथरा लिबास नहीं होगा ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा तिरमिजी की सही हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक इंसान नेकोकार होता है माहिद होता है परहेजगार होता है उसका दिल आईने की तरह साफ होता है उसकी रूह पाकीजा होती है उसका मन उजला होता है तो जब उसकी रूह निकालने के लिए फरिश्ते आते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो माहुम कफन मिन वनूतूत जन्ना वो जन्नत के खूबसूरत लिबास लेके आते हैं वो जन्नत की खूबसूरत चादर लेके आते हैं वो जन्नत का खूबसूरत कपड़ा लेकर के आते हैं और जन्नत की खुशबू के साथ आते हैं क्योंकि रूह पाकिजा है साफ सुथरे जिसम पर साफ लिबास इसी तरह अगर रूह पाकिजा है तो उसके लिए भी साफ लिबास सुथरा लिबास जन्नत वाला लिबास आता है और फिर आकर उसके सिरहाने बैठते हैं हदीस लंबी है मैं अपने मौजू से नहीं निकलूंगा और पुकारते हैं या तो नफ्सुल मुतमिन ओ मुतमिन नफ्स इजड़ी इला रबी की वापस चलिए अपने रब की तरफ राजीम मर्जिया इस हाल में कि आपका रब आपसे राजी है और आप जब अल्लाह से मिलेंगे तो आपका रब जब आप से मिलेगा तो आप अपने रब से दे... रब को देखकर आप भी राजी और खुश हो जाएंगे और इसी हदीस में आता है कि अगर वो बदकार होता है उसका बातिन गंदा होता है उसका मन गंदा होता है उसकी रूह पाकीदा नहीं होती बल्कि गुनाहों में आलूदा होती है गुनाहों की नजासतों से आलूदा हो रही होती है तो फिर फरिश्ते जो आते हैं अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नुम का टाट लेके आते हैं बदबूदार और उस टाट के अंदर उस बदबूदार कपड़े के अंदर उस रूह को लेने के लिए आते हैं और उनके अल्फाज होते हैं या खबीसा ओ खबीस नफ्स उखरुजी निकल नफ के लिए इर्जे वापस चलिए और जिसका बातिन गंदा है उसके लिए अल्फाज ये नहीं है कि वापस चलिए बल्कि उखरुजी निकलिए निकल अपने रब की तरफ वो तुझसे नाराज है और तू भी मिलकर खुश नहीं होगा तो मैंने अर्ज़ किया कि साफ़ सुसरे जिसम पर यह दूसरी सिमिलैरिटी है कि साफ सुसरे जिसम पर जिस तरह साफ सुथरा लिबास होता है गंदे जिसम पर गंदा लिबास होता है बिल्कुल इसी तरह अगर रूह साफ़ सुथरी होती है पाकिज़ा होती है इंसान मन का उजला होता है तो उसके लिए जो लिबास आसमानों से आता है वो जन्नत का पाकिजा लिबास होता है और अगर उसकी रूह गंदी होती है उसका मन पाकिजा नहीं होता तो उसके लिए एक टाट आता है और उस बदबूदार टाट के अंदर उसकी रूह को डाला जाता है और उसको जब फरिश्ते लेकर के चलते हैं तो सवाल करते हैं दूसरे फरिश्ते मा हाजर रूह खबीस ये खबीस रूह ये बदबूदार रूह कौन सी है और अगर नेकोकार होता है तो उसका सवाल फरिश्तों का सवाल होता है मा हाजर रूह तैयब यह रूह किसकी है पश्फरिशते उसके खूबसूरत नामों के साथ उसका तारुफ करवाते हैं मैं आगे की तरफ चलू आपके सामने दो सिमिलरिटी और दो यकसानियत बयान हो गई इंसान के जाहिर की और उसके बातिन की तीसरी सिमिलैरिटी जिस तरह कुछ चीजें इंसान के जाहिर को गंदा कर देती हैं उसके जिसम को गंदा कर देती हैं या यूं कहिए जिसम के जाहिर लिबास को जिस तरह चंद चीजें गंदा कर देती हैं खराब कर देती हैं डस्ट मट्टी पुलूशन गर्जार दाग धब्बे उसके जाहिर को गंदा कर देते हैं बिल्कुल इसी तरह कुछ चीजें ऐसी हैं जो बातिन को भी गंदा कर देती हैं उनके बारे में भी मैं निशानदही करूं ताकि हम उन निजासतों से भी बचे जिस तरह साफ सुथरे कपड़े पहनकर जिसम के साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमारी कोशिश यह होती कोई दाग ना लगे कोई धब्बा ना लगे कोई गंदगी ना लगे बिल्कुल इसी तरह हमारी एक कोशिश रूह को संवारने के लिए भी होनी चाहिए कि हमारा बातिन जो है उसको गंदगी ना, ना लगे कोई गलाजत ना लगे कोई निजात ना लगे वो कौन सी गंदगी है वो कौन सी गलाजत वो कौन सी नजासत है कि जिससे हमारा बातिन गंदा हो जाता है हमारी रूह गंदी हो जाती है हमारा मन खराब हो जाता है वो दो चीज़ें हैं नंबर एक गुना है सगीरा नंबर दो गुना है कबीरा ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा तिरमिजी की हदीस है सही हदीस अल्लाह के रसूल सल्लाम ने इस तरह फरमाया जब कोई मोमिन आदमी कोई गुनाह करता है जब कोई मोमिन आदमी कोई गुनाह करता है कानत नुकता सऊदा अफी कल भी तो उसके गुनाह के करने से उसके दिल के अंदर एक सियाह नुकता लग जाता है फिन ताबा वक ثقل منها अगर वो तोबा कर लेता है तो वो दाग वो धब्बा वो धुल जाता है उसके ऊपर पॉलिश लगा दी जाती है उसको साफ कर दिया जाता है वह इन ज्यादा और अगर वो गुनाह करने के बाद अगर और मजीद गुनाह करता है तो दाग और लगते चले जाते हैं और लगते चले जाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलबू यहां तक के उसके ऊपर सियाही का पूरा एक गिलाफ चढ़ जाता है वो पूरा दिल सियाह हो जाता है अल्लाह बचाए दिल की मुकम्मल सियाही से अभी फरमाया ना खतम अल्लाह क्लू कुलूबिहिम जिस दिल के ऊपर मोहर लग जाए फरमाया फजाली कर रान अल्लाजी ज़क़र अल्लाहु फ़ी किताबी यही वो जंग है यही वो सियाही है यही वो कालत है यही वो अंधेरा है जिसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया ये वो जंग है जिसको अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया कल्ला बलरान अला हरगिज नहीं हरगिज नहीं क्या मतलब हरगिज नहीं ऐसा नहीं है कि ये बात समझने के लिए इनके पास अकल नहीं है अकल है समझ है आंखें हैं कान है लेकिन इनके आंख इनकी आंख देखती नहीं है लहुम आय ला सिरू बिहा वलहुम आजान ला न बिहा लहुम कलूब ला लायसू बिहा इनके दिल हैं समझते नहीं है कान है सुनते नहीं है आंखें हैं देखती नहीं है अल्लाह इनकी तो आंखें देखती है इनके कान तो सुनते हैं इनके दिल तो समझते हैं आंखें अंधी नहीं होती अल्लाह का कुरान कहता है वलाकिन किन तामल कलूबुल्लिफी सुदूर दिल अंधे होते हैं जो इंसान के सीने में है तो इस हदीस में जो बात बताई गई कि दिल के ऊपर गुनाह करने से एक सिया नुकता लगता है ये वो डॉट्स ये वो डॉट्स हैं जो बढ़ते चले जाते हैं ये वो सियाही है जो बढ़ती चली जाती है इंसान गुनाह करता चला जाता है उसकी सियाही बढ़ती चली जाती है मैंने अर्ज किया जिस तरह कुछ चीजें ऐसी हैं कुछ नजासतें ऐसी हैं कुछ गलाजते ऐसी हैं कुछ गंद ऐसा है कि जिससे इंसान का जाहिर गंदा हो जाता है इसी तरह कुछ गलाजतें और नजासतें ऐसी हैं जिनको गुनाह कहा जाता है उससे इंसान का बातिन गंदा हो जाता है अल्लाह ताला बातिन की गंदगी से हम सबको बचाए और महफूज रखे अब तक आपके सामने तीन यकसानियतें बयान हो गई मैं अब चौथी यकसानियत की तरफ आ रहा हूं उसको भी समझ लीजिए जिस तरह इंसान का जब जाहिर खराब हो जाए उसका तन खराब हो जाए उसका जिसम खराब हो जाए या जिसम का जाहिरी लिबास खराब हो जाए गंदा हो जाए तो उसको साफ किया जाता है उसको वॉश किया जाता है उसको धोया जाता है वॉशिंग पाउडर होता है एक लिक्विड होता है ये सिमिलरिटी है चौथी चौथी यकसानियत है जाहिर और बातिन के अंदर जिसम और रूह के अंदर तन और मन के अंदर समझने वाली इसी तरह देखिए एक वॉशिंग पाउडर होता है हम खरीद के लेके आते हैं ये एरियल है ये फलाना सर्फ है यह बड़ा महंगा सर्फ है ये लिक्विड है बड़ा पावर बड़ा पावरफुल लिक्विड है इससे कपड़े दोबारा शफाफ हो जाते हैं साफ हो जाते हैं इसी तरह इंसान का जो बातिन जब गंदा हो जाए तो लिक्विड सॉप भी होता है हमें पता है कि जाहिर को कैसे साफ करना है कपड़े जाहिर जाहिरी कपड़ों को किस तरह धोया जाए किस तरह दोबारा दाग और धब्बे खत्म किए जाए, उसे कारामत बनाया जाए। इसी तरह इंसान की अगर रूह गंदी हो जाए उसका बातिन गंदा हो जाए उसका मन खराब हो जाए तो उसको धोने के लिए भी हमारे पता होना चाहिए कि वह कौन सा वॉशिंग पाउडर है जो शरीय ने हमको बताया है एक वॉशिंग पाउडर है जिसका नाम तोबा है तोबा से मुतल गुफ्तु आपके सामने शायद हो चुकी है मेरे बड़े साहबदादे हाफिज़ खुबैब ने माशा तोबा से मुतक गुफ्तु की है और उनका शायद टॉपिक यही था तो तोबा जो है वो वॉशिंग पाउडर है लेकिन इस सिर्फ यही वॉशिंग पाउडर नहीं है एक लिक्विड भी है लिक्विड भी बड़ा पावरफुल है इतना पावरफुल है कि आपको अपने बाथिन को धोने के लिए ईमान की चादर जो नजासतों में आलूदा हो चुकी है गलाजतों में खराब हो चुकी है उस ईमान की चादर को धोने के लिए उस मन को धोने के लिए उस रूह को पाकिजा बनाने के लिए और रूह की और बातिन होंगे नंबर एक नदामत का आंसू हो नदामत का उसमें होना चाहिए उसके अंदर एक केमिकल और भी डालें उस एक कचरे के अंदर ज्यादा कुछ नहीं मिलाना डर और खौफ अल्लाह का डर अल्लाह का खौफ ये केमिकल भी उस आंसू के कचरे में होना चाहिए अपने गुनाहों पर नदामत भी होनी चाहिए अशक नदामत जिसे कहते हैं वो नजामत के आंसू एक कतरे में इतनी पावर होती है एक कतरे में और जिक्र किया है बुखारी बुखारी मुस्लिम सहायसा में हदीस मौजूद है आपने सुना होगा आपने पढ़ा होगा वीन उन बकत अनखशियत वो आंख जो अल्लाह के डर से रो जाए आंसूओं का एक कतरा इतना पावरफुल होता है कि बात इनकी सारी गंदगियां और बात इनकी सारी नजासतें और बात इनकी सारी गलाजतें एक खतरे से ख़त्म हो सकती अल्लाह के रसूल हज़रत महम्मद मुस्तफ़ा सल्लाम की यह हदीफ है आपने फरमाया कि अगर कोई सच्चे दिल से अल्लाह से तोबा करता है और तोबा करने में अल्लाह से डर जाता है और वो आदमी तोबा करते हुए अगर वो रो पड़ता है अपने गुनाहों को याद करके के आजाबों से डर कर वह खाफ़, मकाम रब भी अपने रब के सामने खड़े होने से डर कर अगर वो रो जाता है और उसकी आंख से आंसुओं का एक कतरा निकल जाता है तो अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया लायद खुल नारा खशियतिल्लाह वो आदमी जहन्नुम के अंदर नहीं जाएगा जो अल्लाह के डर से अल्लाह के खौफ से रो गया और उसकी आंखों से आंसुओं का एक कतरा निकल गया वो जन्नत में जाना जहन्नुम में जाना उसके लिए इस तरह महाल है आपने एक मिसाल से समझाया मिसाल तो देखिए اللبن في आई मिसाल देखिए आपने फरमाया थनों में से जब दूध निकाल लिया जाता है भैंस से दूध निकाला जाता है गाय से दूध निकाला जाता है बकरी के थनों से दूध निकाला जाता है आपने फरमाया जिस तरह थनों से निकले हुए दूध का वापस थनों में जाना जिस तरह नामुमकिन है इस तरह, तरह, तरह अल्लाह रोने वाले को जो अल्लाह के आगे रो जाए अल्लाह इस तरह जहन्नुम में जाना उसका नामुमकिन बना देता है इस तरह जहन्नुम से उसको आज़ाद फरमा देते हैं तो आपके सामने ये चार सिमिलैरिटीज मैंने रख दी पांचवीं सिमिलैरिटी यह भी समझने वाली है अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं देखिए इंसान के लिबास में जाहिरी लिबास में और बातिनी लिबास के अंदर जाहिरी लिबास के अंदर एक लिबास है जिसे लिबासुल अबियस कहते हैं लिबासुल अबियस फौरन जाहिर होता है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सफेद लिबास पर दाग और धब्बा फौरन जाहिर होता है इसी तरह जिसकी रूह पाकिजा हो और जिसकी रूह पर तकवे का लिबास हो और जिसके मन के अंदर तकवे का लिबास हो जिसकी रूह पाकीजा हो गुनाह करते ही उसको भी फौरन एहसास होता है समझ लें इस मसले को मैंने आपको बताया कि लिबासुल लिबासबियज और लिबास तकवाबियज ये जाहिरी लिबास है और लिबास तकवा ये मन का लिबास है तकवा जो है वो जाहिर में तलाश नहीं किया जा सकता और ना जाहिर में होता है अल्लाह के रसूल अलैहि सल्ला ने तीन दफा फरमाया वह अशारा इला सदरी और अपने सीने की तरफ इशारा किया फरमाया तकवा में तलाश कर रहा होता है तकवा कोई मिसवाक में तलाश कर रहा होता है तकवा कोई जुब्बे और कुब्बे में तलाश कर रहा होता है तक्वा कोई खिताबत में तलाश कर रहा होता है ऐसा नहीं है तकवा जाहिरी चीज नहीं है तकवा एक बातनी चीज है और तकवे का लिबास जो है वो नजर नहीं आता वो अंदर की चीज है तो फरमाया तकवा यहां पर होता है मैं अर्जी कर रहा था कि लिबासुल अबियज में और लिबास तकवा के अंदर सिमिलरिटी ये है और यकसानियत ये है कि जिस तरह साफ सुथरे लिबास के ऊपर दाग वाइट लिबास के ऊपर और वाइट सूट के ऊपर जिस तरह दाग लगते ही धब्बा लगते ही फौरन जाहिर हो जाता है एक छोटा सा भी इधर अगर एक डॉट्स पड़ गया कोई सियाही का निशान रह गया और आप वाइट सूट में हो आपको वो निशान तंग करेगा आप बेचैन हो जाएंगे आप इसरावी कैफियत में रहेंगे जो आपसे मिलेगा मुलाकात करते ही उसकी निगाह आपके पूरे साफ सुथरे लिबास के ऊपर नहीं होगी वह छुटते ही आपके उस दाग के ऊपर उस धब्बे के ऊपर देखेगा और आप शर्मसार होंगे कि यार इसको पूरा साफ सुथरा जिसम का लिबास नजर नहीं आ रहा मैं वाइट सूट पहना हुआ हूं जर्क बर्क लिबास है चमक रहा है उसकी वाइटनेस नजर आ रही है लेकिन एक छोटा सा मक्खी के सर के बराबर इतना सा दाग है लेकिन फौरन वो उसी की तरफ देखता है और वो दाग आपको मुसलसल एहसास दिलाता रहेगा अपने वजूद का कब तक जब तक के उसको आप खत्म नहीं कर देते उसको आप रिमूव नहीं कर देते उस दाग को आप धो नहीं देते बस मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों मेरी माओ और बहनों बिल्कुल इसी तरह जिसकी रूह पर तकवे का लिबास आ जाए और जिसकी रूह तकवे के लिबास से मुजैन हो जाए और जिसका मन पाकिदा हो जाए जिसकी रूह पाकिदा हो जाए जिसने अपने बातिन को संवार लिया वो अगर गुनाह करेगा तो गुनाह करते ही उसको फौरन एहसास होगा और याद रखिए कि अगर गुनाह करने के बाद गुनाह का एहसास नहीं हो रहा तो समझ लीजिए कि तक्वे का लिबास नहीं है बहुत ज्यादा गंदगी और गलाजत जब बढ़ जाए तो फिर गलादत का एहसास खत्म हो जाता है किसी भी चीज की कसरत एहसास को खत्म कर देती है देखिए ना वो लोग जो मोटर मैकेनिक का, का काम करते हैं आपने उनका लिबास देखा है कि उस पर ऑयल गिर रहा है लग रही है कालक लग रही है कभी वो इंजन के अंदर घुसे हुए हैं कभी गाड़ी के नीचे कभी गाड़ी के अंदर झुके हुए हैं कभी कोई चीज खोल रहे हैं कभी कोई चीज फिट कर रहे हैं उनका लिबास दाग लगते लगते धब्बे लगते लगते पूरा दागदार हो जाता है अब अगर उस दागदार लिबास के ऊपर एक ड्रॉप भी आकर लगता है ऑयल का उनको एहसास नहीं होता एहसास कब होता है कि जब साफ सुथरा लिबास हो, जिसकी रूह पर तक्वे का लिबास होगा और वो लिबास साफ सुथरा होगा पाकीजा होगा तो याद रखिए गुनाह करते ही उसको एहसास होगा कि मुझसे गलती हो गई मुझसे कोई कोताही हो गई और ये एहसास बहुत बड़ी चीज है ये एहसास खत्म नहीं होने दें कभी बहुत बड़ी चीज है अल्लाह ताला ये एहसास महफूज रखे बस और याद रखिए अगर ये एहसास होगा तो इंसान को तोबा की तौफीक मिल जाती है। लिहाजा इस एहसास को गुनाह कर लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है गुनाह कर कर गुनाह को गुनाह ना समझना और गुनाह का एहसास ना होना यह सबसे बड़ी तबाही और हला और हलाकत की बात है तो लिहाजा देखिए इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं मैं सिर्फ इशारा करूंगा और अपने मौजूद को आगे लेकर के चलता हूँ देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक खजूर उठाई और भूख की शिद्दत से आपने ढाल ढालते आपने सुना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई दिन फाके कर किया करते थे कुछ नहीं होता था घर में खाने के लिए एक खजूर आपने अपने बिस्तर के करीब देखी तो वो खजूर आपने फ़ौर खाली खाने के बाद आप सारी रात जागते रहे करवट करवटें लेते रहे सहाबा सहाबाशी के साथ और इस कैफियत था तो नहीं थी। का भी आपने सुना कर ने वो चीज मिठाई वगैरह जो आई थी वो खा ली जैसे ही खाई तो गुलाम ने कहा आका आज तो आपने बगैर पूछे चीज खा ली हमेशा खाने की चीज में आप पहले पूछा करते थे कहा किस तरह हासिल की है कहा से मिली है बस तो वक्कर ने आज भूख इतनी लगी थी कि मुझसे नहीं गया और मैंने ये थोड़ी सी खा ली अच्छा आप बताओ कि ये कहाँ से लाए हो उसने कहा कि मैं जाहिलियत के ज़माने में मैं कहानत किया करता था 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 सिद्दीक रजी था नहीं। नहीं। कहा कि तू तो मुझे हलाक कर दा, हलाक कर देता। के कर सिद्दीक ने अपनी उंगलियां हलक में डाली और निकालने की कोशिश करते रहे पानी पीते रहे और उंगलियां हलक में डालकर वो लुकमा निकालने की कोशिश करते रहे करते रहे करते रहे अपनी जान जोखों में डाली देखिए ना पेड़ भर कर खाना खाया हुआ हो तो वॉबिटिंग फ़ौरन हो जाती है आदमी ने अगर उंगलियां हलक में डाली सब बाहर निकल जाता है लेकिन अगर भूख में अगर एक लुकमा डाला हो वो तो मैदे की दीवारों से जाके चिपक जाएगा वो निकल नहीं रहा अबू बकर सिद्दीक ने जान जोखों में डालकर पानी पी पी कर जब तक उस लुकमे को बाहर नहीं निकाल दिया पानी पीते रहे और कोशिश करते रहे गुलाम ने कहा एक लुकमे के लिए अपनी जान जोखों में डाल दी अबू बकर ने फरमाया मुझे अपनी जान निकालनी भी पड़ती तो इस लुकमे को जरूर निकालता इसी के अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया जिसके पेट में हराम का एक लुकमा चला जाए अल्लाह उसकी कोई इबादत कबूल नहीं फरमाते देखिए मेरे मौजू को मेरा मौजू और मेरी तकरीर आखिरी मरहले में जा रही है और ये जो आखिरी मरहला है बड़ा अहम है समझने वाला है याद रखिए ये जो जिसम और रूह तन और मन जाहिर और बातिन के बारे में जो गुफ्तगू हुई है छठी सिमिलैरिटी भी समझ लीजिए वो भी मैं बताऊंग और फिर उसकी तरफ गुफ्तु का आखिरी हिस्सा आपके सामने बयान करूंगा दस पंद्रह मिनट बाकी रह गए बहुत तोज्जो फरमाइएगा तरह जिसम को जाहिर जिस तरह को और जिसम के जाहिरी लिबास को पानी से धोया जाता है इसी तरह रूह को भी पानी से धोया जाता है आप कहेंगे रूह को किस तरह पानी से धोया जाता है ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा

जितनी दूरी तूर मशरक और मगरब के दरमियान करती है मुझे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी कर दे कितनी प्यारी दुआ है अल्लाह खताया या मुझे गुनाहों से पाक साफ कर दे किस तरह कमा युनक मिन दनस। जिस तरह सफेद कपड़े को मेल कुचेल से पाक साफ कर दिया जाता है और तीसरी दुआ दुआ, दुआ से या दे मेरे गुनाहों को हताया मेरे गुनाहों को किससे धो दे दिल माई पानी के साथ व सल जी बर्फ के साथ वल बरा दी जाहिर को कैसे साफ किया जाता है मुझे मालूम है पानी से मेरा जाहिर चमक उठता है पानी के जरिए से मैं अपने जाहिर को संवार लेता हूं, मैं चमक जाता हूं, नहा धो के फ्रेश हो जाता हूं, गंदगी और गलाजतें ख़त्म हो जाती हैं मेरा जाहिरी लिबास दोबारा साफ़ हो जाता है शफाफ हो जाता है अल्लाह मुझे ये तो पता नहीं कि बातिन का लिबास जो गंदा है वो कैसे साफ होगा बस तुझसे दुआ ये करता हूं अल्लाह मेरे बातिन को धो दे बिल माई अपनी रहमत के पानी से सलज और अगर पानू अगर पानी की ठंडक मेरे गुनाहों की गर्मी को खत्म नहीं कर सकती तो वह सलज अल्लाह बर्फ की ठंडक से अपने रहमत की बर्फ

आगे आगे अल्फाज क्या है वह या अल्लाह इनको धो दे बिल माई पानी के साथ जाहिर को तो हमने धो दिया अल्लाह इनको नहला करके लाए हैं कफना करके लाए हैं या अल्लाह हमने मरने के बाद इनको नहला दिया वजू कराया नहलाया दिया कफनाया या अल्लाह पानी से नहला दिया लेकिन हमने जाहिर को साफ कर दिया हम जाहिर को ही साफ करते हैं कर सकते हैं लेकिन अल्लाह बातिन को तो हम साफ नहीं कर सकते या अल्लाह बातिन को आप साफ कर सकते हैं तो अब हाथ बांध कर दुआ करता है मरने वाले के अल्लाह अल्लाह धो दे इनके गुना धो दे बिलमाई पानी के साथ व सलजी बर्फ के साथ वल बरदी और औलो के साथ नमाज जनाजे की दुआएं देखिए पता चला तो ये एक छठी सिमिलैरिटी मैंने बहुत अहम बात है इंसान ये तो पता चल गया कि इंसान दो चीजों से मुरक्कब है लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये कि इंसान की कामयाबी का दारो मदार इंसान के जाहिर की खैरियत पर नहीं है जाहिर के अच्छे होने पर नहीं है बल्कि इंसान के बातिन के अच्छे होने पर इंसान की कामयाबी का दारो मदार है। फिर समझ लीजिएगा इंसान के कामयाब होने का दारो मदार जाहिर के अच्छे होने पर नहीं है जाहिर का अच्छा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप आखिरत में कामयाब हो जाएंगे कि हम बहुत खूबसूरत थे हमारा जिसम बहुत खूबसूरत था हम शक्ल के अतबार से बहुत खूबसूरत थे इसलिए हम आखिरत में कामयाब हो जाए हमारे कपड़े बहुत आला और कीमती हुआ करते थे इसलिए हम आखिरत में कामयाब हो जाए हर किस नहीं तो कामयाबी का दारोमदार जाहिर के अच्छे होने पर नहीं है बल्कि बातिन के अच्छे होने पर है अगर मन अच्छा होगा अगर रू पाकीगा होगी इंसान का अगर बातिन अगर खूबसूरत होगा तो वह इंसान कामयाब हो जाएगा जाहिर अगर अच्छा होगा देखिए अब मिसालें भरी हुई हैं, मैं सिर्फ इशारा करूंगा आपने सुना है अबू लहब के बारे में कुरान मजीद के तीसरे बारे में सूरतुल लहब

उसका नाम था उज्जा और अब्दुल उज्जा का मतलब उज्जा का गुलाम तो अबू लहब का नाम उज्जा था अब्दुल उज्जा लेकिन लोग उसको अब्दुल उज्जा से नहीं पुकारते थे बल्कि उसकी कुनियत से क्यों अबू लहब का मतलब लहब कहते हैं शोले को और अबू का मतलब अरबी जुबान में वाला मिसाल के तौर पर अबुल माल माल वाला अबुल जमाल खूबसूरती वाला अबुल औ ओलाद औलाद वाला तो अबू का माना होता है वाला तो अबू लहब का मतलब शौले वाला तो अबू लहब को अबू लहब इसलिए कहा जाता था कि वो बहुत वाइट सुर्ख सफेद बहुत चिट्टा रंग बहुत खूबसूरत हसीन और जमील इतना खूबसूरत इतना, इतना इतना उसके चेहरे पर सुर्खी और सफेदी थी जैसे कोई शौले भड़क रहे हैं उसके चेहरे के ऊपर इस तरह के आज हम भी कोई अगर हमारी बिरादरी में कोई अगर व्हाइट खूबसूरत अंग्रेज जैसा हो ना तो हम उसका नाम रख देते हैं अंग्रेज कोई लाल टमाटर उसका नाम हम रख देते हैं लाल टमाटर तो अबू लहब को अबू लहब इसलिए लोग कहा करते थे कि वो शोले जैसी रंगत वाला था लहब शोले को कहते हैं अबू माने वाला अच्छा हैरानकुन बात ये है कि अल्लाह ने भी अबू लहब को अबू लहब से ही याद किया अल्लाह ने फरमाया तबत ये दा अबी लहबी तब अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए अल्लाह तूने भी क्या इसके जाहिर चमक दमक को देखकर इसकी खूबसूरती को देखकर इसके सुर्ख और सफेद होने को देख कर अल्लाह तूने अबू लहब कहा है फरमाया नहीं तुम अबू लहब कहते हो इसलिए कि वो शोले जैसी रंगत वाला है और मैंने अल्लाह ने इसको जो अबू लहब कहा है इसलिए कहा है कि सयसला नारन जात लहब कि मैं उसको शोले वाली आग में दाखिल करूंगा इस शोले जैसी रंगत वाले को मैं शोले वाली जहन्नुम की आग में दाखिल करूंगा तो जाहिर तो बड़ा अच्छा था अबू लहब का तंग तो बहुत अच्छा था लेकिन मन अच्छा नहीं था जाहिर तो अच्छा था लेकिन बातिन अच्छा नहीं था जिसम तो अच्छा था लेकिन रूह अच्छी नहीं थी इसके बर खिलाफ हबशी रजी अल्लाह त तन अच्छा नहीं था काले कलोटे हबशा के गुलाम गुलामी का धब्बा लगा हुआ और काले कलोटे मोटे मोटे होंठ रंगत बिल्कुल सिया और ये काले कलोटे गुलाम बिलाले हबशी और अल्लाह शान तन अच्छा नहीं था लेकिन मन बहुत अच्छा था जाहिर अच्छा नहीं था लेकिन बातिन बहुत खूबसूरत था उनका जिसम इतना अच्छा नहीं था लेकिन उनकी रूह बहुत अच्छी थी पाकिदा रूह थी अंदर अल्लाह अकबर अबू बकर सिद्दीकों ने जब देखा कि उमैया बिलाल हबशी पर जुल्म झुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है बहुत मारता है और बिलाल हबशी भी बड़े सख्त जान हर हर कोड़े पर यही जुबान से निकालते अहद वो अकेला है वो अकेला है और बिलाले हबशी इतने सख्त जान के मारने वाले मार मार के थक जाते थे लेकिन बिलाले हबशी मार खा कर के नहीं थकते थे कोड़े मारने वाले बारियां बदलते थे लेकिन बिलाले हबशी सबके कोड़ों पर एक ही आवाज एक ही नारा अहद वो एक ही है सीने पर पत्थर की भारी सिले रखकर उन्हें मक्का की संगलाख जमीन पर घसीटा जा रहा है सीने पर पत्थर रखकर धूप में रखा जा रहा है लिटाया जा रहा है लेकिन उस जुबान पर अहद अहद अबू बकर सिद्दीक एक दिन उमैया के पास चले गए कि तुम अरब से हो अरब का नाम जब तारीख लिखी जाएगी अरब बदनाम होंगे कि इतने सफाक, इतने जालिम, तुमने इस गरीब गुलाम के ऊपर जुल्मतम के पहाड़ तोड़ दिए हैं उमैया भी तंग था कि बड़ा ढीट गुलाम है कहने लगा अबू बकर ज्यादा ही रहम आ रहा है तो भाई खरीद लो मेरी भी जान छोड़वाओ इस गुलाम से पता नहीं किस मट्टी का बना हुआ है तंग आ गए सारी सजाएं देनी लेकिन इसकी जुबान से अहद अहद निकलना बंद नहीं हो रहा अबू बकर सिद्दीक अल्लाह तुमने जल्दी से फरमाया बताओ क्या कीमत लगाते हो उमैया ने कहा कीमत सुनो फिर तुम्हारा वो फिस्तास रूमी गुलाम जो बड़ा कमा करके लाने वाला है वो फिस्तास फनकार और वो हिरफत जानने वाला और काम काज जानने वाला हुनर जानने वाला वो फिस्तास रूमी गुलाम मुझे दे दो और यह बिलाल तुम ले दो अबी तुमने फरमाया डन भाई ठीक है आज से वो फिस्तास रूमी गुलाम तुम्हारा हुआ और वो बिलाल है मेरा, मेरा गुलाम हुआ अब ये सटपटा गया उमैया क्योंकि आपको पता है ना अरा चांदी भी चाहिए औकिया चांदी भी, भी तुम्हारी एक और झटका लग गया अगर खरबूजे वाला अगर वो सत्तर पे भी आ जाए अगर आप कहने अस्सी ली भाई सत्तर छबाई अच्छा सत्तर का ले लो तो फिर हम कहते हैं नहीं यार पचास का ही बोल देता ये तो मेरे साथ आज पता नहीं क्या हो रहा है बकर सिद्दीक ने फरमाया भाई अब क्या चाहिए वो भी सटपटा गया था उम्मिया कहने लगा आपकी जो यमनी मुनकश चादर है ये यमनी खूबसूरत चादर भी मुझे दे दें दे। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी चादर उतार के दे दी कि ये लो चादर बिलाल हबशी मेरे हुए और जब बिलाल हबशी का हाथ पकड़ा तो उमैया ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को कहा ए अबू बकर मैं तो तुमको बड़ा समझदार समझता था कारोबारी आदमी हो कपड़ों का बिजनेस है तुम्हारा कपड़ों का कारोबार है एक कारोबारी इंसान तो बड़ा जहीन होता है चीजों की सही कीमत लगाने वाला होता है तुमने बिलाल हबशी की कीमत ऐसी लगाई कि फिस्तास रूमी गुलाम दे दिया चालीस औकिया चांदी दे दी और अपनी यमनी मुनक्कश चादर दे दी मैं बताऊं अबू बकर के बिलाल की क्या कीमत है अब तो यह तुम्हारा हुआ बताइए क्या कीमत है उमैया ने कहा कि एक दिरहम के छठे हिस्से के इवज और बदले में भी मैं बिलाल अब तुमसे ना खरीदू एक दिरहम का छठा हिस्सा अबू बकर सिद्दीक बिलाल की कदर व कीमत क्या है अगर बिलाल की कदर मैं बताऊं पूरी यमन की बादशाहत भी अगर दे दी जाए तो बिलाल हफ् की की कीमत नहीं बन सकती अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के पास और सारा वाक़ा सुनाया और बिलाल हफी को आजाद कर दिया ये काले का गुलाम है शान तो देखिए बुखारी की हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई पीछे बिलाल हबशी खड़े हुए हैं मुंह फेरा मुख्तियों की तरफ और बिलाल से पूछने लगे या बिलाल अमल इन अमल तहफिल इस्लाम फिनी समय तु दफा न अल का भई ना यदै ए बिलाल मुझे बताओ वो कौन सा ऐसा अमल करता है कि जिसकी वजह से मैंने तुझे जन्नत के अंदर अपने से आगे आगे जूते पहनकर तेरे जूतों की खटखटाहट मैंने अपनी अपने कानों से सुनी है। बिलाल हबशी कहने लगे, मांगल्तु عملن أرجاعندي من أني لم أتطهر طهورا طهورا في الليل ولا في النهار إلا صليت بذلك الطهور. यह लाख के रसूल मेरा कोई खास ऐसा अमल तो नहीं है। बस मैं जब भी एक तो मेरा मेरी कोशिश ये होती है आप सही सुना है कि मैं हमेशा बावजू रहता हूँ और दूसरी मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी वजू करता हूँ दो रकात नमाज पढ़ लेता हूं जिसको कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया फिलज में जब भी जन्नत में गया ख्वाब में या वैसे जब भी मैं जन्नत के अंदर गया मैंने तेरे जूतों की खटखटाहट क्या शान है बिलाल हफी की जो जन्नत के कालीनों पर अपने जूते पहन करके चलता है है जाहिर, अच्छा नहीं है लेकिन बातिन बहुत अच्छा है बातिन बहुत खूबसूरत है और याद रखिए बातिन ही की खूबसूरती असल खूबसूरती होती है अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमीन हमारे जाहिर को भी अच्छा कर दे और अल्लाह ताला हमारे बातिन को भी अच्छा कर दे यही वजह थी कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने बिलाल हबशी को हालांकि गुलामी का धब्बा लगा हुआ है जब भी पुकारते थे तो या सय्यदी या सय्यदी कहकर पुकारा करते थे ए हमारे सरदार ओ मेरे सरदार कौन अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने बिलाल हबशी को या सय्यदी कह के पुकारते थे और जब मक्का फतह हुआ आपने सीरत की किताबों में पढ़ा होगा कि जब मक्का फतह हुआ तो बिलाल हबशी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए बिलाल खाना काबा की छत के ऊपर खड़े हो जाओ और फिर दुनिया ने देखा कि बिलाल हबशी हबशा का काला कलोटा गुलाम जिस पर गुलामी का धब्बा लगा हुआ है जिसको मक्का की गलियों में घसीटा जाता था जिसको मक्का के मक्का के रास्तों पर धूप में लिटा दिया जाता था जिसे कोड़े मारने वाले कोड़े मारा करते थे वो काला कलोटा बकरियों को चराने वाला वो काला कलोटा बिलाल हबशी वो खाना काबा की बेतुल्लाह की छत पर खड़ा हुआ खाना काबा बिलाल हबशी के कदमों के नीचे और बिलाल हबशी खाना काबा के ऊपर खड़े हुए हैं और अजान दे रहे हैं अल्लाह के रसूल सा ने फरमाया कि खाना काबा के ऊपर खड़े होकर के अजान दो अल्लाह दुआ है अल्लाह ताली हमारे जाहिर को भी अच्छा कर दे अल्लाह हमारे बातिन को भी अच्छा कर दे और जब आज की इस नशिस में इस तकलीरब में ये बात मालूम चल गई कि कामयाबी का मदार जाहिर के अच्छे होने पर नहीं है बल्कि बातिन के अच्छे होने पर है और अगर जाहिर भी अच्छा हो और बा